नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में हम व्याकरण के अंतर्गत आने वाले वाच्य को समझेंगे और समझाएंगे। आप यहां देखिए, मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं। पहला वाक्य, बच्चे पाठ पढ़ रहे हैं, रोगी को दवाई दे दी गई है, माँ से अब चला भी नहीं जाता, गीतिका के द्वारा पत्र लिखा गया। इन वाक्यों को पढ़कर आप अंतर समझिए। किसी वाक्य में कर्ता प्रधान है और उसके अनुसार क्रिया हो रही है, तो दूसरे वाक्य में कर्ता है ही नहीं, कर्ता का लोप है, कर्म ही प्रधान है, कर्म के अनुसार क्रिया आई है, और तीसरे वाक्य में कर्ता के साथ में से लग गया है तो कर्ता गौण हो गया, और यहां पर क्रिया का भाव ही मुख्य है, चला भी नहीं जाता। और चौथा वाक्य देखेंगे, इसमें है कर्ता के साथ के द्वारा लग गया है, गीतिका के द्वारा पत्र लिखा गया, यानी पत्र मुख्य हो गया, वाक्य में प्रधान तत्व पत्र हो गया, और कर्ता के साथ में से लग जाने पर, के द्वारा लग जाने पर वह गौण बन गया। इस आधार पर हमें वाच्य समझने हैं। इस बात को समझने के लिए वाच्य जानना आवश्यक है। वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय, क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि वाक्य में क्रिया का कर्ता मुख्य है, कर्म मुख्य है, मुख्य केंद्र बिंदु ये दोनों ही नहीं है, क्रिया का मुख्य भाव ही केंद्र बिंदु है, जिससे यह ज्ञात हो उसे वाच्य कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप अब हम इन वाक्यों को देखेंगे। हमें ये लिखे गए वाक्य समझ आ गए हैं कि प्रथम वाक्य में कर्ता प्रधान हो गया, पुनः दोहरा रही हूं, दूसरे वाक्य में कर्म प्रधान हो गया, तीसरे वाक्य में कर्ता के साथ से लग गया और कर्म है नहीं इसलिए कर्ता गौण हो गया, क्रिया का मुख्य भाव ही प्रधान हो गया, और चौथे वाक्य में फिर कर्ता के साथ के द्वारा लग गया और पत्र यानी कर्म प्रधान हो गया। इस आधार पर यहां आप देखेंगे, जैसा कि मैंने लिखा है, वाच्य के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, कर्तृवाच्य अकर्तृवाच्य, और अकर्तृ के फिर दो उपभेद होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रमुख होगा और उसके साथ कभी विभक्ति चिन्ह लगा होगा और कभी नहीं भी लगा होगा। जैसे कि हम ये वाक्य देखेंगे, रंजन पुस्तक पढ़ रहा है, यहां पर कर्ता कौन है? रंजन, और इसके साथ कोई चिन्ह नहीं आया है। इसी तरह दूसरा वाक्य देखें, अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे, इसमें फिर आप यही पाएंगे कि इसमें कर्ता कौन है? अध्यापक, और कर्म क्या है? पाठ। लेकिन अब मैं लिखती हूं जिसमें कर्ता के साथ में चिन्ह आएगा, सीमा ने कला प्रतियोगिता में भाग लिया,
यहाँ पर कर्ता के साथ में यह चिन्ह आ गया ने, इसलिए यहाँ भी कर्ता ही प्रधान है। अब चौथा वाक्य हम देखें, भविष्य में जब हम बनाते हैं वाक्य तब फिर कोई चिन्ह नहीं आता है। आज रितेश दिल्ली जाएगा, इसमें भी चिन्ह नहीं आया। कर्मवाच्य में वाक्य का केंद्र बिंदु कर्ता न होकर कर्म बन जाता है। कर्म की प्रधानता के कारण कभी कभी तो कर्ता का लोप हो जाता है और कभी कर्ता के साथ के द्वारा या से का प्रयोग होता है। जैसा कि हम वाक्य देखेंगे, लड़कियों के द्वारा सुंदर चित्र बनाए गए, यहां पर कर्ता के साथ में के द्वारा प्रयोग हो गया और क्रिया का मुख्य केंद्र बिंदु चित्र आ गया। ये क्रिया शब्द है और क्रिया का मुख्य बिंदु चित्र है, यानी इस वाक्य में प्रधान हुआ चित्र, चित्र के अनुसार क्रिया शब्द लगाया गया है। अब फिर दूसरा वाक्य देखें, मेरे छोटे भाई को दूध पिला दिया गया है, इस वाक्य में आप देखेंगे कि कर्म प्रधान है और कर्ता का लोप है, यानी यहां पर कर्ता आया ही नहीं है। किसके द्वारा पिलाया गया? सीधे छोटे भाई को, बल्कि यहां दो कर्म हैं, दूध और छोटा भाई, दो कर्म हैं और कर्ता का लोप है। कर्म ही प्रधान है, क्रिया शब्द किसके अनुसार है? यह पिला दिया गया है दूध के अनुसार। इस तरह से ये कर्मवाच्य कहला रहा है। बच्चों से पतंग उड़ाई जाएगी, कर्ता के साथ में से आ गया, एक यह पहचान हुई कि यह कर्तृवाच्य नहीं है। दूसरे, क्रिया शब्द उड़ाई जाएगी किसके अनुसार है? पतंग के अनुसार, कर्म के अनुसार, अतः यह फिर कर्मवाच्य है। कुछ वाक्य जो कानूनी शब्दावली होती है उसमें प्रायः कर्मवाच्य ही प्रयोग किया जाता है, जैसे अपराधियों को दंड दिया जाए, यहां पर कर्ता है ही नहीं। किसके द्वारा दिया जाए, कौन देगा? सीधे अपराधी शब्द जो कि कर्म है, दंड भी कर्म है, उसी के अनुसार क्रिया है। भूकंप पीड़ितों की सहायता की गई,
यहाँ पर भूकंप पीड़ित फिर से कर्म है, सीधे कर्म कारक शब्द ही प्रधान है, उन्हीं के अनुसार क्रिया शब्द है, ये भी कर्मवाच्य है। और कभी कभी कर्मवाच्य इस रूप में भी आता है जब किसी कारण से कर्ता का उल्लेख न करना चाहते हो, तब या अचानक से अपने आप से अनायास कोई काम हो गया हो, जैसे शीशा गिर गया और टूट गया। अब हम भाववाच्य समझेंगे। भाववाच्य में क्रिया सदैव अकर्मक होगी, यानी वाक्य में कर्म नहीं होगा। कर्ता यदि है तो कर्ता के साथ में से या के द्वारा लगा होगा, जैसे उससे चला नहीं जाता, यानी क्रिया का भाव ही मुख्य होता है, इसलिए इसे भाववाच्य कहते हैं। गर्मियों में खूब नहाया जाता है, इसमें कर्ता भी नहीं है, कर्म है ही नहीं, केवल क्रिया का भाव ही मुख्य है, नहाया जाता है। इसी तरह से रात भर कैसे जागा जाएगा, यहां फिर क्रिया का भाव ही मुख्य है। कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया शब्द आते हैं, कर्ता के साथ से या के द्वारा लगा दिया जाता है, और कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक भी हो सकती है, सकर्मक भी, लेकिन कर्मवाच्य में सकर्मक ही होगी तथा भाववाच्य में सदैव अकर्मक क्रिया ही होगी, केवल भाव ही मुख्य होगा। भाववाच्य में सबसे बड़ी पहचान है क्रिया सदैव अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में होती है, किसी के भी साथ लगाया जाए, तुमसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, अब उनसे चला भी नहीं जाता, मेरी माँ से चला नहीं जाता, किसी के भी साथ हम लगाएं, चला नहीं जाता का रूप उसी रूप में रहेगा। तो अब चला जाए भाववाच्य से आज का पाठ हम समाप्त करते हैं।